मनोज कुमार जी, मनोज शुक्रिया, शुक्रिया। समय आपके पास 5 मिनट है। जी सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। सदन जब मार्च के महीने में शुरू हुआ तो शुरुआती 2 दिन मैं नहीं था, मेरे परिवार में एक निधन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ से लोगों से मैंने बात की तो कहा गया कि होली के बाद चर्चा होगी। सर, ये अपने आप में मैं समझता हूँ हम पूरे सदन की प्राथमिकताओं और संवेदनाओं पर एक टिप्पणी है जो कम से कम दिल्ली में जो पीड़ित है उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा कि होली के बाद चर्चा होगी। आई विश टू अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई हाउस, माई कलीग्स, टू द पीपल ऑफ दिल्ली दैट वी फेल्ड यू। नंबर वन सर। नंबर टू सर, आई ऑल्सो बिसीच माई कलीग्स, माई फेलो पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, ऑनरेबल्स, कैन वी गारंटी द पीपल ऑफ दिल्ली और द पीपल ऑफ दिस कंट्री that there shall be no more targeted violence? Can we guarantee that? I'm worried as a citizen, sir. We are not concerned about electoral victories or defeat. Make no mistake, if the poison continues like this, there shall nothing be called fighting elections, fighting for what? There shall be nothing. We are losing the track. We are losing the plot, sir. And I say this, main pure hosho hawas mein ye baat keh raha hu, sir. ये हवा 47 से ज्यादा खराब है सर। 47 में एक लाइन खींची गई, एक बॉर्डर है, घरों के अंदर बॉर्डर है सर। मेरा घर बट गया, पड़ोस बट गया। और ये क्यों बट रहा है सर? कोई हथियार कत्ल नहीं करता, माफ कीजिएगा, बहुत लोग कह रहे थे हथियार रुकवा दो, हथियार, सर हथियार कत्ल नहीं करता है, माहौल का जहर कत्ल करता है। ईंट से भी मारा जा सकता है, पत्थर से मारा जा सकता है, गला दबाया जा सकता है सर, बुलेट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इस जहरीले माहौल को अगर नहीं रोका गया सर, सर कमाल है। अक्सर जब कहते हैं हमारे भाजपा के हमारे मित्र लोग कि इस आंदोलन के पीछे हम हैं, मैंने इसी सदन में कहा था सर, हम तो अपना अपना घर संभाल रहे हैं, इतनी हैसियत होती पूरे देश में आंदोलन की तो आज सत्ता में हम होते। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, मैं इसकी ऑथरशिप नहीं लेना चाहूंगा, मेरी हैसियत नहीं है, मेरे दल की हैसियत नहीं है, यह स्पॉन्टेनियस है सर। सर थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं। 11 को यहां हम हार गए, बहस की हार गए, मायूस होकर घर गए थे, उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हुआ सर। सर मुझे शर्म नहीं है, मैं शाहीनबाग गया, मैं गया, लेकिन ये कौन सी जुबान है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है? मेरी बहुत सारी महिला साथियां हैं, महिला उनकी अपनी एजेंसी होती है, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है, ये नहीं कह सकते आप कि उनको आगे कर दिया गया। सर ये एंटी वुमेन डिस्कोर्स है, वो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन से लड़ रही हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन से शाहीनबाग में लड़ी है। आसान नहीं होता है घर की चारदीवारी छोड़ करके सड़क पर आकर के बैठो, बाएं हाथ में काली पट्टी, दाहिने हाथ में संविधान, कांधे पे तिरंगा, कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे, ये कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे सर। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा सबसे, तमाम अपने साथियों से, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है, इधर से उधर बहुत हो रहा है, विपक्ष भी आपको अपने जैसा ही चाहिए, वो भी देख रहा हूं विपक्ष भी आप जैसा ही चाहिए, तो उस माहौल में मैं समझता हूं कि कुछ चीजें हमारे लिए। सर मैं एक बात कहता हूं, आप 90 के दशक में एक वीडियो था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन चल रहा था। सर अभी 3 मिनट हुए हैं, 3 सर, तो प्लीज सर, इससे सर थोड़ा सा मेंटल थॉट प्रोसेस टूट जाता है। 90 के दशक में सर एक बहुत वायरल हुआ वीडियो, 90 के दशक का एक वीडियो, छोटी सी बात, एक व्यक्ति कहते हैं कि जब मस्जिद में इंसान नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। छोटी सी बात है सर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लेकिन ये छोटी सी बात आज के बड़े हुक्मरानों को समझ में नहीं आता है सर। सर मैं एक छोटी बात करके खत्म करूंगा, और वो ये है सर कि ये पूरा का पूरा जो हमें देखना होगा, अभी सुधांशु जी बहुत सारे, मैं दंगों पे काम किया, मैं पढ़ाता भी हूं विश्वविद्यालय में, ये विषय एक है, एमजे अकबर दिल्ली विश्वविद्यालय में, एमजे अकबर साहब का एक किताब है जिसका जिक्र हुआ, उसमें पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है सारे दंगों की, पढ़ लेने से पता चल जाएगा कि इसके
इसकी जड़ में कौन हुआ करते थे सर। सर और एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करने दीजिए कि नर्सिंग होम और विद्यालय जब आ जाए जद में, विद्यालयों से हो रहा है कही रही हिंसा, किताबें जलाई जा रही हैं, जामिया लाइब्रेरी पे अटैक हुआ, जो भी सभ्यता किताबें जलाए चाहे कोई जलाए, जो भी सभ्यता नर्सिंग होम जहां हीलिंग होती है वहां से वायलेंस हो, उस सभ्यता की रुग्णता का संकेत साफ है। और एक आखिरी सर, एक किताब इन दिनों पढ़ रहा हूं ऐसी जमल कुरान की, हाउ टू लूज अ कंट्री एंड हैव अ ह्यूज सेंस ऑफ डेजावू। आई जस्ट रीच 7 स्टेप्स। One is create a movement which we have created, a poisonous movement. Second, disrupt rationale and terrorize language. Number three, remove the shame. Immorality is hot in post-truth world. Fourth, dismantle judicial and political mechanisms. Fifth, design your own citizens. Sixth, let them laugh at the horror. And finally, build your own country. And I cannot stand with that. Thank you, sir. Jai Hind. धन्यवाद संजय सिंह, श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस अति संवेदनशील विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।